ओके तो भाई कई स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि हम एमएससी प्रीवियस करने के बाद एमएससी फाइनल में कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज करें, फिजिकल लें, ऑर्गेनिक लें कि इनऑर्गेनिक लें। उनके लिए ये एक यक्ष प्रश्न की तरह होता है, तो मैं इसको भाई एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा। ठीक है, देखो बात ऐसी है कि जो ये स्पेशलाइजेशन है ये हमारी ज़्यादातर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में है, लेकिन आप आईआईटी में जाओगे, जो IIT से MSc होती है वहां पर आपको MSc प्रीवियस में तीनों पढ़नी पड़ती हैं और MSc फाइनल में आपको तीनों स्ट्रीम पढ़नी पड़ती हैं। वहां पर ये नहीं होगा कि MSc फाइनल में जाके आप प्रॉपर फिजिकल या प्रॉपर इनऑर्गेनिक चूज कर सकते हो। तो इसकी एक वजह होती है, क्योंकि जो तीनों स्ट्रीम होती है वो आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड। या तो आपको तीनों स्ट्रीम आती हैं या आपको एक भी नहीं आती, क्योंकि बिना फिजिकल के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सीखना क्या है, इम्पॉसिबल। इवन मैथ के बिना क्या सीखना है, मैथ के बिना केमिस्ट्री सीखना क्या है, इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें आपको स्पेशलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगी। तो पहले पहले तो मेरी एडवाइस ये है कि आप चाहे एमएससी पास करने के बाद आप एमएससी फाइनल में जो भी क्या लेते हो स्पेशलाइजेशन वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने पढ़ ही तीनों चाहिए। अगर आपने फिजिकल से एमएससी फाइनल की है तब भी आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पढ़नी चाहिए उनकी। अगर आपने इनऑर्गेनिक पढ़ी है तो ताकि आप सारे एग्जाम जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है एमएससी लेवल के वो क्रैक कर सको, क्योंकि उन्हें क्रैक करने के लिए आपको तीनों स्ट्रीम पढ़नी क्या है, जरूरी है, जो हाई लेवल के एडवांस्ड एग्जाम होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको नहीं, लेकिन सेमेस्टर पास करने के लिए हम क्या करें, तो सेमेस्टर पास करने के लिए मेरी भी रिकमेंडेशन ये होती है कि जो अब इसके कई एस्पेक्ट्स हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि एक तो आप ये देखो कि आपको पीएचडी करनी है कि नहीं करनी है। अगर आपको पीएचडी नहीं करनी है, कल को नेट जेआरएफ करने के बाद आपको पीएचडी नहीं करनी है, तो आप भाई अपनी मन मर्जी की स्ट्रीम चूज कर सकते हो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक या फिजिकल। लेकिन आपका प्लान है कि पहले एमएससी फाइनल करेंगे, नेट जेआरएफ करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, पीएचडी। तो पीएचडी में क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो इंडिया के अंदर जो भाई सहूलत है रिसर्च की वो इतनी बेटर नहीं है। ऑर्गेनिक में यहां पर ज्यादातर जो काम है वो होता है सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और अगर आपको सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिल गई ना ड्यूरिंग पीएचडी, तो बर्डन बहुत ज्यादा होता है काम का और जो आपके पेपर्स हैं रिसर्च पेपर्स उनकी क्वालिटी काफी लो रह जाती है। मतलब आप ज्यादा एफर्ट लगा के भी अच्छे हाई क्वालिटी रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं कर सकते। तो ध्यान रखियो, ऑर्गेनिक से एमएससी करने का ये नुकसान है। ओके, अब इनऑर्गेनिक और फिजिकल बची। सबसे बेटर जो हमारा काम है ना हमारे इंडिया के अंदर रिसर्च पर्पज के लिए वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और फिर है फिजिकल का, और आखिर में क्या आपका ऑर्गेनिक का। तो अगर आप इनऑर्गेनिक लेते हो तो पीएचडी में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। मतलब पीएचडी में इनऑर्गेनिक का जो वर्क है वो बहुत वाइड लेवल पे अवेलेबल है, बहुत अच्छा काम हमारे इंडिया के अंदर होने लग रहा है। आपके थोड़े एफर्ट में हाई क्वालिटी पेपर छप जाएंगे। तो अगर आप इनऑर्गेनिक से क्या करते हो एमएससी फाइनल, तो आपको रिसर्च में बहुत बेनिफिट इसका रहेगा। अच्छी बात फिजिकल भी, तो पीएचडी के लिहाज से सबसे बेस्ट कौन सी रहेगी आपकी, इनऑर्गेनिक। लेकिन आपको ये भाई कि हमको पीएचडी के बाद हमको जॉब भी चाहिए यूनिवर्सिटीज में, तो मैं आपको बताऊं उसके लिहाज से कौन सी स्ट्रीम सबसे बेस्ट है। उसके लिहाज से सबसे बेस्ट जो स्ट्रीम होती है वो होती है फिजिकल, क्योंकि आप एक काम करियो किसी भी यूनिवर्सिटी में जब पोस्ट निकलती हैं और उनके लिए जब एप्लीकेशन आती हैं, तो आपको ये मानो कि 10 पोस्ट फिजिकल की हैं, 10 पोस्ट क्या है इनऑर्गेनिक की, और 10 पोस्ट क्या है मान लिया ऑर्गेनिक की। तो आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि फिजिकल की 10 पोस्ट के लिए आपको अगर मिलेंगे ना 15 बच्चे, तो यहां पर आपको इनऑर्गेनिक 10 पोस्ट के लिए आपको मिलेंगे 40 बच्चे, और ऑर्गेनिक 10 पोस्ट के लिए आपको मिलेंगे यहां पर 50 बच्चे। मतलब सबसे ज्यादा कंपटीशन कहां पर रहेगा, मतलब पोस्ट तो बराबर निकलती है ऑर्गेनिक और फिजिकल की, लेकिन ऑर्गेनिक की पोस्ट पे सबसे ज्यादा बच्चे आपको मिलेंगे अप्लाई करते हुए, फिजिकल में सबसे कम मिलेंगे। आपको हुए ये क्या बकवास हुई, क्योंकि फिजिकल वही मुश्किल होती है तो फिजिकल कम बच्चे लेते हैं क्या, फिजिकल मुश्किल हो तो फिजिकल क्या बच्चे, क्या होते हैं बच्चे भाई कम लेते हैं, समझे बात, कम बच्चे फिजिकल पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली नेट जेआरएफ भी कम बच्चे करते हैं फिजिकल वाले। नेट जेआरएफ कम करेंगे इस वजह से
तो पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। नहीं समझे बात? आप कहोगे ये क्या बकवास है, हम तो इसमें नहीं मानते, हमारी यूनिवर्सिटी में तो सारे बच्चे भाई ऑर्गेनिक की तरफ भागने लग रहे हैं। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि आपको पता है इनऑर्गेनिक बिना फिजिकल के नहीं आ सकती, इनऑर्गेनिक बिना फिजिकल के नहीं आ सकती। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों किसके ऊपर आती हैं, फिजिकल पे बेस्ड होती हैं। लेकिन होता क्या है, वहाँ पर क्रैमिंग पोर्शन भी काफ़ी सारा होता है, तो जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट नहीं होते उन्हें ऑर्गेनिक ईजी लगती है, क्योंकि वहाँ पर रट्टाफिकेशन काफ़ी चलती होती है। और क्योंकि आपको पता भाई बड़े दुख की बात है, हमारे इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने का जो तरीका है वो क्रैमिंग पैटर्न का ही होता है, याद करो लिखो याद करो लिखो। इवन फिजिकल में ऐसे पूछ लेते हैं, राइट डाउन दी फलाना डेरिवेशन, राइट डाउन ढिमकाना डेरिवेशन। ओके, तो दिक्कत क्या है, इसीलिए क्योंकि ऑर्गेनिक याद करना क्या होता है इजी, तो बच्चों को समझने में की जरूरत बहुत कम पड़ती है। तो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि ऐसी ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में कंडीशन नहीं होती कि भाई आप नॉन मेडिकल से होने चाहिए, तो वहां पर ज्यादा कॉम्पिटिशन किसके लिए होता है, ऑर्गेनिक के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक इजी होती है। मतलब घोटेबाज के लिए ऑर्गेनिक क्या होती है, इजी होती है, इसीलिए वहां पर ज्यादातर बच्चे क्या अप्लाई करते हैं, ऑर्गेनिक के लिए अप्लाई करेंगे। समझ गए बात? और इसीलिए ऑर्गेनिक में भाई सीट मिलना क्या होगा, इंडियन यूनिवर्सिटीज में थोड़ा सा मुश्किल होता है। नहीं समझे बात? लेकिन अगर आप जाओगे ना DU में या और जो भाई दूसरी यूनिवर्सिटीज है, मेरे ख्याल से DU नहीं, या कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो भाई इंडिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज है, वहां पर कॉम्पिटिशन होता है फिजिकल के लिए, कि फिजिकल में सीटें नहीं मिलती आपको। तो जो आप देखोगे इंडिया में जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, और यहां पर वहां पर क्या है, मान लिया स्पेशलाइजेशन भी है, तो वहां पर पहली कंडीशन तो क्या होती है कि नॉन मेडिकल वाले को ही एडमिशन देते हैं एमएससी केमिस्ट्री में, मेडिकल वाले को देते ही नहीं। तो नॉन मेडिकल वाले मोस्टली कहां एंटर करते हैं, एमएससी केमिस्ट्री के अंदर, और उनको पता है उनका समझने का रूटीन ज्यादा होता है, याद करने क्या होता है कम, तो उनमें किसको प्रेफरेंस मिलती है, फिजिकल के लिए। तो आपकी यूनिवर्सिटीज में अगर मारामारी किसके लिए है, ऑर्गेनिक के लिए, तो उससे बस पता लगती है कि आपकी यूनिवर्सिटीज में घोटेबाजी की पढ़ाई क्या है, ज्यादा समझने की पढ़ाई क्या है, कम। क्योंकि जिन यूनिवर्सिटीज में क्या है, समझने की पढ़ाई क्या होती है ज्यादा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर क्या है ज्यादा फोकस है, वहां पर आपको किसके लिए मारामारी मिलती होती मिलेगी, फिजिकल के लिए। समझ गए बात? तो भाई अगर आपने कल को जॉब का देखना है, तो सबसे ज्यादा स्कोप आपको मैं बताऊं टीचिंग के लिहाज से आपको मिलेंगे, टीचिंग के लिहाज से आपके पास सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कौन सी रहेगी, थोड़ा एफर्ट लगेगा भाई। आप नॉन मेडिकल वाले हैं तो बिना सोचे समझे मैं आपको बताऊं भाई इनऑर्गेनिक या फिजिकल ले सबसे बेस्ट है। ओके, आप मेडिकल साइड वाले हैं और आपकी भाई कॉन्सेप्ट्स नहीं है, मैथमेटिक्स आपको बिल्कुल नहीं आता, तो आप जाए ऑर्गेनिक की तरफ। लेकिन अगर मान लिया आप ये सोचते हो भाई कि भाई हम बेश, और आपको जॉब के लिहाज से कि कंपटीशन ज्यादा काम मिले कल को, समझ गए बात, तो फिजिकल में कल को यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन सबसे ईजी होगा, इनऑर्गेनिक में उससे मुश्किल, और ऑर्गेनिक में भाई लाइन लगी मिलती है सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन कहाँ पर होता है, ऑर्गेनिक के अंदर। तो ये एक अच्छी बात यहां पर रहेगी आपको भाई, फिजिकल में जॉब मिलना क्या हो जाएगा आपके लिए, इजी हो जाएगा। रिसर्च के लिहाज से सबसे बेस्ट कौन सी रहेगी इंडिया में, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, और सबसे वर्स्ट कौन सी है, ऑर्गेनिक। अब आपने भी डिसाइड करना है कि आप किस तरफ जाना चाहते हो। तो मैं तो ये कहता हूं भाई सबसे बेस्ट ये रहेगा, अगर कोई नॉन मेडिकल वाला है तो फिजिकल या इनऑर्गेनिक प्रेफर करे, कोई मेडिकल साइड वाला है और मैथमेटिक्स बिल्कुल भूत लगता है तो ही वो किसकी तरफ जाए, ऑर्गेनिक की तरफ। समझ गए बात? और ये दिमाग में लेके जाए कि कल को भाई रिसर्च में अगर मैं एंटर करता हूं तो मेरे पेपर पब्लिश होने में थोड़ा क्या आएगा, दिक्कत मुझे पेश आएगी। और हाँ एक बात और, आप ये मानो भाई कि अच्छा कोई आपको, आप PhD कहीं से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं सोचियो भाई कि ऑर्गेनिक अगर आपने की स्पेशलाइजेशन तो फिजिकल में PhD नहीं कर सकते, इनऑर्गेनिक में आपने की है तो आप इनऑर्गेनिक में PhD। लेकिन दिक्कत यह जो पोस्ट निकलती है ना ऑर्गेनिक की, वो ये नहीं देखते कि आपकी PhD किस फील्ड में है। अगर मान लिया ऑर्गेनिक में पोस्ट निकल गई तो आपने PhD फिजिकल में कर रखी है, वो नहीं मानेंगे। आपकी जो फाइनल में क्या थी स्ट्रीम, उसे क्या मानेंगे, आपकी स्ट्रीम मानेंगे। समझे बात भाई? यानी अगर किसी ने ऑर्गेनिक से MSc कर रखी फाइनल ईयर और उसने PhD किस पे कर ली, फिजिकल के टॉपिक के ऊपर, तो कल को जब वो अप्लाई करेगा ना तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं फिजिकल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूं,
वो कहेगा मैंने उसकी जो क्या लिखा हुआ है उसमें ऑर्गेनिक एमएससी फाइनल में, उसी के बेस पे उसकी वैकेंसी डिसाइड होगी, स्ट्रीम डिसाइड होगी। तो आपने डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना है। ओके ठीक है भाई।